की कंगना तो वापस लिया जाएगा पद्म श्री अवार्ड? कंगना ने पूछे कई विवादित सवाल। दसो 1947 विच केड़ी लड़ाई लड़ी सी? गांधी जी ने भगत सिंह नू मरण क्यों दिता? आखिर नेता सुभाष चंद्र बोस की हत्या क्यों हुई? आखिर वंड की लकीर एक अंग्रेज वालों क्यों खिंची गई? आजादी दियां खुशियां मनाउण दी बजाए भारती एक दूसरे नू मार रहे सन। ऑफ कोर्स वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। कंगना दे विवादित बयान तो बाद हर पासे कंगना दी निखेधी कीती जा रही है। कंगना तो पद्म श्री अवार्ड वापस तक लैण दी गल कीती जा रही है। सोशल मीडिया ते हर किसी वल्लों कंगना नू घेरिया जा रहा है, ते हुण कंगना ने भी सोशल मीडिया ते टिप्पणी करन वाले लोकां नू जवाब दिता है। कंगना ने कई विवादित सवाल भी पूछ ले है। कंगना ने सोशल मीडिया ते लिखे है, एक इंटरव्यू दौरान मैं सब कुछ स्पष्ट कर दिता सी। 1857 विच आजादी लई पहली समूहिक लड़ाई सुभाष चंद्र बोस, राणी लक्ष्मी बाई अते वीर सावरकर वर्गे महान लोकां दे बलिदान दे नाल शुरू होई सी। 1857 दी लड़ाई मैनूं पता है, पर 1947 विच केड़ा युद्ध होया सी मैनूं नहीं पता। अगर किसी नूं पता है तां मैनूं दसो, मैं अपना पद्म श्री वापस कर देवांगी अते माफ़ी भी मंगांगी, कृपा मेरी इस विच मदद कीती जावे। अग्गे कंगना लिखदी है, मैं झांसी दी राणी लक्ष्मी बाई ते फीचर फिल्म विच काम कीता है। 1857 दी लड़ाई विच काफ़ी रिसर्च कीता है। राष्ट्रवाद दे नाल दक्षिणी पंथ दा भी उभार होया, पर यह अचानक किवें खत्म हो गया? अते गांधी जी ने भगत सिंह नू मरण क्यों दिता? आखिर क्यों नेता बोस की हत्या हुई? अते उन्हां नू गांधी जी का सपोर्ट क्यों नहीं मिलिया? अगे कंगना लिखती है, आखिर क्यों बंटवारे की रेखा एक अंग्रेज वालों खिंची गई? आजादी दियां खुशियां मनाउण दी बजाए भारती लोग एक दूसरे नू मार रहे सन। मैनू कुछ अजिहे सवालों के जवाब चाहिए हैं, मेरी मदद की जाए। जिथों तक गल रही 2014 की आजादी की, मैं विशेष रूप दे नाल कहा सी भौतिक आजादी साडे कोल हो सकती है। पहली बार अंग्रेजी ना बोलना जां छोटे शहरां विच आउण या भारत विच बने उत्पादां दा प्रयोग करन दे लई लोक सानू शर्मिंदा नहीं कर सकते। जो चोर है उन्हां दी जलेगी, कोई बुझा नहीं सकता। जय हिंद। दस दईए कि सोशल मीडिया ते कंगना दे फैंस पद्म श्री वापस देण दी मंग कर रहे ने। सोशल मीडिया ते कंगना रनौत नूं देश द्रोही तक कहा जा रहा है। उन्हां उत्ते कई थावां ते कई केस भी दर्ज हो चुके ने। कंगना ने वीरवार नूं एक अजिहा बयान दिता सी जिस विच उन्हां ने कहा सी, 1947 विच देश नूं आजादी नहीं भीख मिली सी, असली आजादी भारत नूं 2014 विच मिली सी। ऑफ कोर्स वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। कंगना दे इस विवाद तो बाद भारत विच कंगना खिलाफ कई थावां ते रोस प्रदर्शन किया जा रहा है। चंडीगढ़ विच भी अजिहा मामला सामने आया है जिथे कांग्रेसियां वल्लों कंगना दे खिलाफ मामला दर्ज करन दी मंग कीती जा रही है। चंडीगढ़ दे सैक्टर 17 दे थाने विच कांग्रेसी वर्कर पहुंचे ने अते उन्हां वल्लों मंग कीती जा रही है कि कंगना वल्लों दित्ते इस विवादित बयान दे कारण कंगना दे उत्ते देश द्रोह दा मुकदमा दर्ज होना चाहिदा है। चंडीगढ़ तो सुरिंदरपाल सिंह दी रिपोर्ट, अजीत वैब टीवी। देश दुनिया दीआं ताज़ा खबरां दे लई हुणे प्ले स्टोर तों डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म दे उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक दे उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत, ते हाँ नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलणा। इन्ना ही नहीं, हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है। ट्विटर दे उत्ते खबरां दे लई फॉलो करो डेली अजीत, ते इंस्टाग्राम दे उत्ते खबरां दे नाल नाल वीडियो देखण दे लई फॉलो करो ब्लू टिक वाला साडा ऑफिशियल चैनल डेली अजीत। इन्ना ही नहीं, अजीत दे वीडियो हुण तुसीं एप्पल टीवी दे उत्ते भी वेख सकदे हो, ते नाल ही अजीत अखबार दा डिजिटल एडिशन पढ़न दे लई डाउनलोड करो अजीत ई पेपर ऐप। तुहाडा अपना भरोसेयोग चैनल, तुहाडी अपनी आवाज़, पंजाब दी आवाज़ अजीत।